आई ब्रेक ए ग्लास मु गोटे ग्लास को भांगे। आई ब्रोक ए ग्लास मु गोटे ग्लास को भांगिली। आई हाव ब्रोकेन ए ग्लास मु गोटे ग्लास भांगी। आई हार्ड ब्रोकेन ए ग्लास मु गोटे ग्लास भांगी थिली। शुणी छंदी ना? तो आई आम ब्रेकिंग ए ग्लास मु गोटे ग्लास भांग। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज रो वीडियो रे मु आपन को सिखेबी कि वर्ब्स केमिति प्रैक्टिस करिवे, बिकॉज वर्ब्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट इन सेंटेंस व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट टेंस। तो वर्ब बहुत ही इंपोर्टेंट अटे। सो आपन कोन करि थाउ छंती ना, जते बेला आपन वर्ब्स पढु छंती तो यू मे यूज टू लर्न ओनली सिंगल वर्ब, लाइक आपन मेन वर्ब को ही आपन पढु छंती, जहाँफड़े जितेबाला आपण टेंस रे बदलवा चेष्टा करुछंती जे कौन सी गोटे सेंटेंस को, तो सेतेबाला भाभी थाउछंती कि को टेंस रे को वर्ब आसीबो, फर्स्ट फॉर्म आसीबो, सेकंड फॉर्म आसीबो, थर्ड फॉर्म आसीबो, आईएनजी वाला लागिबो ना ईएस आईएस कोडा लागिबो, मु केतेबाले कौन कहबी। तो मु आज गोटे सिंपल तरीका आपणको सिखौछि, जितेबाला भी आपण वर्ब सिखुछंती आपण एमिति करंतु नहि जे एराइज कहले उठिबा बा उदय हेबा, खाली एतिक रे सिखिकि रुहंतु नहीं, बा मेन फॉर्म को सिखिकि आपण चुपचाप रुहंतु नहीं, आपण पूरा याकु सबु फॉर्म रो वर्ब को सिखिया पय चेष्टा करंतु। तो प्रथमे कोन करिवे, प्रथमे आपण इंग्लिश टू इंग्लिश स्पेलिंग सहित आपण सिखंतु। सपोज मु फर्स्ट वर्ब को सिखिली एराइज, ए आर आई एस ई, एराइज, एराइज माने उठिबा बा उदय हेबा, ए आर ओ एस ई, एरोज कहले उदय हेला बा उदय बा उठिला, एराइजन, ए आर आई एस ई एन, एराइजन कहले उदय हेछि बा उदय हेथिला, एराइजिंग उदय होछि बा उठिथिला बा उदय होछि, उदय होथिला बा उदय होछि, एराइजेस उदय हुंती। तो मु जेतेबेले ओडिया रे कहली जेमिति कि उठिबा उठिला, उठिछंती बा उठिथिले, उठुछंती बा उठुथिले, एराइजेस उठंती, तो एथिरे मु टेंस को यूज करके कहि। सपोज मु एथिरे जदि सेंटेंस को यूज करबी, सपोज मु द सन लगेबी, सब्जेक्ट आकर द सन नेली, तबे कोन हबो द सन एराइजेस। ओके द सन एराइजेस जेतु प्रेजेंट सिंपल रे हेले आमे सब्जेक्ट सहित थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट जदि थर्ड पर्सन सिंगुलर हेथिबो तबे आमे कोन कहउछु, आमे वर्ब रे एस किमा ईएस लगउछु बा वी 5 को यूज करछते द सन एराइजेस। जदि मते पास्ट रे कहबार अछि सेंटेंस को तबे मु कहबी द सन एरोज माने उदय हेले, सूर्य उदय हेले। सेमिति द सन उदय हेइ अछंती, द सन हैज एराइजन, किंबा से उठि अछंती, ही हैज एराइजन। जदि मु ही यूज करूची तबे मु कहबी ही एराइजेस, से उठंती, से उठिले, ही एरोज, से उठि अछंती, ही हैज एराइजन, से उठु अछंती, ही इज एराइजिंग। जदि मु कहबी पास्ट टेंस को यूज करिकि तबे मु कहबी से उठिले ही एरोज, से उठिथिले ही हार्ड एराइजन, से उठिथिले पाई आमे हार्ड एराइजिंग कहले, जदि आमे कहबा से उठु थिले ही वाज एराइजिंग, तो एमिति आमे कहबा। सपोज मु आउ थरे कहि दउ छी, आपण जते बेला सिखु छथि प्रत्येक वर्ब को तार फॉर्म सहित इंग्लिश टू इंग्लिश आपण सिखंतु, जेमिति अवेक स्पेलिंग सहित ए डब्ल्यू ए के ई, अवेक, अवोक, अवेकन, अवेकिंग, अवेक्स। अवेक्स का पाई यूज हुए केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट सहित, आउ केते बेले प्रेजेंट सिंपल रे। ओके केते बेले यूज हबो प्रेजेंट सिंपल रे केवल वी 5 यूज हबो, बा वर्ब रे जते बेले आमे एस ई एस लगौ छे केवल सिंगुलर सब्जेक्ट पाई यूज करिबा, आउ केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस रे ही ताकु व्यवहार करिबा। रिमेंबर दिस वन, ओके माने रखिबा को चेष्टा करो। ओके तो मु स्पेलिंग सहित सिखिबी अवेक, ए डब्ल्यू ए के ई, अवेक, ए डब्ल्यू ओ के ई, अवोक, ए डब्ल्यू ए के इन, अवेकन, ए डब्ल्यू ए के आई एन सी, अवेकिंग, ए डब्ल्यू ए के ई एस, अवेक्स। ओके तो एबे मु कोन करबी, वो इंग्लिश टू इंग्लिश सब फॉर्म कहली, वी 1 रो भी कहली, वी 2, वी 3, वी 4, वी 5 मध्य कहली। ओके डन। एबे मु कोन कहबी इंग्लिश वर्ब कहबा सहित, इंग्लिश रे कहबा सहित तार ओडिया मीनिंग मध्य कहबी, केमिति चलंतु कहबा। अवेक माने उठिबा, एवोक माने उठिला, अवेकन माने उठी छंती बा उठीछि बा उठीथिला। मु कोन पय एटा कहूछि टिके पर बुझेबी, धैर्य धरिके अपेक्षा करंतु। अवेकिंग उठु अछि बा उठुथिला, अवेक्स उठंती,
ଯେହେତୁ ଆମେ ଭର୍ବ ମାନଙ୍କୁ ଟେନ୍ସରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଖାଲି ଆୱେକ୍ କହୁଛି ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି, ଆଇ ଆୱେକ୍, ମୁଁ ଉଠେ। ୟୁ ଆୱେକ୍, ଆପଣ ବା ତୁମେ ଉଠ, ଆପଣ ଉଠନ୍ତି। ୱି, ୟୁ, ଦେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ନେମିଂ ୱାର୍ଡ କଥା କହୁଛି ବା ସିଙ୍ଗୁଲାର ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସବଜେକ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ ଭର୍ବ ସହିତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲରେ ଇଏ ୟୁଜ୍ ହେବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଓକେ, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ଆଇ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ତେବେ ମୁଁ କହିବି ଆଇ ଆୱେକ୍, ଯଦି ମୁଁ ୱି କହିବି ୱି ଆୱେକ୍, ୟୁ ଆୱେକ୍, ଦେ ଆୱେକ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ଅର୍ଥାତ୍ ହି, ସି, ଇଟ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବି ତେବେ ଏହା କେମିତି ହେବ, ହି ଆୱେକ୍ସ ହେବ। ଆମେ ଆୱେକ୍ କହିବା ନାହିଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲରେ, ଆୱେକ୍ସ କହିବା। ସି ଆୱେକ୍ ନୁହଁ, ସି ଆୱେକ୍ସ, ଇଟ୍ ଆୱେକ୍ ନୁହଁ, ଇଟ୍ ଆୱେକ୍ସ। ଓକେ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲରେ ସବୁବେଳେ ଭର୍ବରେ ଏସ୍ କିମ୍ବା ଇଏସ୍ କିମ୍ବା ଆଇଏସ୍ ଲାଗେ, ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କ ଭର୍ବ ଆଉ ଭର୍ବର ଶେଷ ଅକ୍ଷର କ'ଣ, ତେବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏସ୍ ଲଗେଇବେ କିମ୍ବା ଇଏସ୍ ଲଗେଇବେ କିମ୍ବା ଆଇଏସ୍ ଲଗେଇବେ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ ଇଟ୍ କହୁଛି, ଇଟ୍ ପରେ ଆପଣ କେବଳ ଏସ୍ ଲଗେଇକି କହିପାରିବେ। ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି ଡୁ, ଡୁରେ ଆପଣ ଇଏସ୍ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କହୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଏରେ ଏସ୍ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ ପରେ ୱାଇ ଜାଗାରେ ଆଇ ଲେଖିକି ଇଏସ୍ ଲଗେଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ୱାଇକୁ ଆଇରେ ବଦଳେଇ ଦେଉ, ତାପରେ ଆମେ ଇଏସ୍ ଲଗାଉ। ତ ମେନଲି ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଏସ୍ କିମ୍ବା ଇଏସ୍ ଲଗେଇକି ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ତ ଆପଣ ଇଂଲିଶ ଟୁ ଇଂଲିଶ ଭର୍ବ ଶିଖିଲେ, ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ଫର୍ମ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଇଂଲିଶ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ମିନିଂ ସହିତ କହିଲେ। ଥାର୍ଡରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆଇ, ୱି, ୟୁ, ଦେ, ଇ, ସି, ଇଟ୍ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ୟୁଜ୍ କଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ କେତୋଟି ଭର୍ବକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଇଜି ହେବ। ତ ବି କହିଲେ ହେଉଛି ହେବା, ବି ୱାଜ୍ ହେଲେ ବା ହେଇଥିଲେ, ୱେର୍ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ବା ହେଇଥିଲେ, ବିନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ବା ହେଇଥିଲେ, ବିଙ୍ଗ ହେଉଅଛି ବା ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଏଥିରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସହିତ ଆମେ ଇଜ୍ ଲଗାଉ, ୱାଜ୍ ଲଗାଉ, କାହିଁକି ନା ବି ଭର୍ବରେ ଏତିକି ସୀମିତ ନୁହଁ। ଆମର ବି ଭର୍ବ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଆସିବ, ଆମ, ଇଜ୍, ଆର୍ ଆସିବ। ଆମ୍ ଏବଂ ଇଜ୍କୁ ଆମେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଯେମିତି ଆଇ ସହିତ ଆମ୍ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଆଉ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହି, ସି, ଇଟ୍ ସହିତ, କିମ୍ବା ନେମିଂ ୱାର୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ, ଗୋଟିଏ ଜୀବକୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଇଥିବ, ଯେମିତିକି ଦା କ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ଇଜ୍ ଲାଗିବ, ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଇଜ୍ ଲାଗିବ। ଓକେ, ସୋ ଇଏ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ, ବା ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ମାନେ ଯଦି ମୁଁ ହି କହୁଛି, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ କହୁଛି ସେ ବୋଲି, ସି, ଇଟ୍ କହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ରେଫର୍ କରି କହୁଛି, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଜ୍ ଲାଗିବ, ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ହେବ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲରେ। ତ ବି ଭର୍ବ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ହେଇପାରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ କହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆର୍, ଆର୍ ସବୁବେଳେ ଆମର ପ୍ଲୁରାଲ ଭର୍ବ, ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ ଅଟେ ବା ପ୍ଲୁରାଲ ଭର୍ବ ଅଟେ, ତେଣୁ ପ୍ଲୁରାଲ ସବଜେକ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ୟୁଜ୍ ହେବ। ଓକେ, ପ୍ଲୁରାଲ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର, ମୁଁ କହିଲି ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଏବଂ ପ୍ଲୁରାଲ। ଓକେ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଏବଂ ପ୍ଲୁରାଲ ସହିତ, ଥାର୍ଡ ପର୍ସନର କେବଳ ପ୍ଲୁରାଲ ସହିତ, କାହିଁକି ନା ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସବୁ ଏଥିରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ୟୁଜ୍ ହେବ। ସେମିତି ଆମର ୱାଜ୍ ୱେର୍ ଅଛି, ପାଷ୍ଟରେ ହେଲେ ୱାଜ୍ ୱେର୍ କରିବା, ୱାଜ୍କୁ ଆମେ କାହା ସହିତ ୟୁଜ୍ କରିବା, ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ ସହିତ, ୱାର୍କୁ ହେଲେ, ୱେର୍କୁ ହେଲେ ଆମେ କାହା ସହିତ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଆମର ୟୁ ସହିତ, ବି ସହିତ, ଦେ ସହିତ, କିମ୍ବା ନେମିଂ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଧିକ ନାମକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି। ଆଇ ସହିତ ୱାଜ୍ ହିଁ ଲାଗେ, ଓକେ, ଆଇ ସହିତ ୱାଜ୍ ହିଁ ଲାଗେ। ତ ବି ଭର୍ବରେ ଆମ୍ ବି ଅଛି, ଇଜ୍ ବି ଅଛି, ଆର୍ ବି ଅଛି, ସେମିତି ୱାଜ୍ ୱେର୍ ବି ଅଛି। ୟାର ଭି ଥ୍ରୀ ହେଉଛି ବିନ୍, ଓକେ, ସେମିତି ୟାର ଭି ଫୋର୍ ହେଉଛି ବିନ୍। ଓକେ, ସୋ ଆମେ କହିବା ବି ୱାଜ୍ କିମ୍ବା ୱେର୍ ବିନ୍ ବିନ୍, ବି ୱାଜ୍ ୱେର୍ ବିନ୍ ବିନ୍, ବି ହେବା, ୱାଜ୍ ହେଲା ବା ହେଲି, ୱେର୍ ହେଲେ, ବିନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ବା ହେଇଥିଲେ, ବିଂ ହେଉଛନ୍ତି ବା ହେଉଥିଲେ। ଓକେ, ସପୋଜ୍ ୟାକୁ ଆମେ କେମିତି କହିବା, ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭି ଥ୍ରୀ ବୋଲି କହୁଛେ, ଯଦି ମୁଁ ଟେନ୍ସ କଥା କହିବି, ଟେନ୍ସ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଆମ ପାଖରେ ସବଜେକ୍ଟ ଥାଏ, ଭର୍ବ ଥାଏ ଏବଂ ଅବଜେକ୍ଟ ଥାଏ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି,
जदि आम सब्जेक्ट किंवा वर्ब एवं ऑब्जेक्ट को खाली देखा तबे आम कहीपर ना कौ टेन्स बोली किंतु जदि सब्जेक्ट पर आम भी ओन वर्ब र फास्ट फॉर्म को जदि आम यूज करूबा तबे ताहा कौन अटे प्रेजेंट सिंपल अटे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सिंपल फॉर एग्जांपल मु कहूँ आई ईट ए केक मु गोटे केक खाए ओके किंबा जदि मु एथिरे भी फाइव करदेली भी ओन नले तो भी फाइव करदे भी फाइव आम क्या कौन जो थे एस किंबा इस लगे आउ एस किंबा इस को सब्जेक्ट सहित लगुच केवल थार्ड पर्सन सहित तो आम कहीपर हि इट्स ए केक से गोटे केक खाते सेटा मध्ये प्रेजेंट सिंपल अटे देखु मु भी ओन एवं भी फाइव को लेकिन एग्जांपल देली भी ओन किंबा भी फाइव हेले प्रेजेंट सिंपल हुए जदि मु एबे भी टू बोली कहबी तबे ताहा का कोडा हबो भी टू जदि कहबा ताहा पास्ट सिंपल हबो कोन हबो पास्ट सिंपल प्रेजेंट सिंपल नो हो पास्ट पास्ट सिंपल ए ईट किंबा ईट्स जगह रे हमें कोन कहबा यार पास्ट को कहबा ही एट ए केक से गोटे केक खाइला किंबा आई एट ए केक गोटे केक खाए तो भि टू रु आम पास्ट सिंपल बोली जानले ठीक सेमिति मुझे कह सब्जेक्ट अच्छी आमर वर्ब अच्छी आउ ऑब्जेक्ट अच्छी एति के तो आम टेन्स कौन बोली कहीपर ना किंतु जदि मु कह पाखे सब्जेक्ट अच्छी वर्ब अच्छी ऑब्जेक्ट आउ को वर्ब जदि मु कह भि ओन यूज कले भि टू को मध्य यूज कले एबे जदि मु कह भि थ्री तेबे एतिक्रे आम कहीपर ना एटा को टेन्स आपण कहे भि थ्री अच्छी कहले परफेक्ट हो पारे परफेक्ट हो पारे ओके किंतु को परफेक्ट हम से आम तो जापरबानी तेणु भि थ्री पूर्वर हेले आमको गोटे प्रेजेंट परफेक्ट पाए हेले प्रेजेंट वर्ब दरकार हम जमी जदि भि थ्री पूर्वर सब्जेक्ट अच्छी आउ या पूर्वर हाव किंबा हाज अच्छी आउ भि थ्री अच्छी तेबे आम कहीपर जे एहा प्रेजेंट अटे एहा प्रेजेंटर परफेक्ट अटे प्रेजेंटर परफेक्ट अटे केमिति देखंतु आई हाव इटेन हा केक मु गोटे केक खाइछि तो आपणकर टेन्स किए देखा इटेन रु आप जापार ना इटेन तो आपणकर कम को देखा परफेक्ट को देखा जे आपण खाई किंतु केबे खाइले किंबा केबे खाई सेटा देखा टेन्स को देखार काम करुच्छे हाफ किंबा हाज जदि मु ही कहबी ही सहित हाज लगे हि हाज इटेन ए केक गॉट इट तो हि हाज इटेन से गोटे केक खाई तेणु आमे खाली जदि भि थ्री को देखी कहवा तेबे हेबो नाही तेणु मु कौन कहली जेतेबे प्राक्टिस करैली एथिरे मु कौन कहली मु एथिरे कौन कहली एराइजन से उठी बुझा पड़ू हाज एराइजन ही हाज एराइजन ही हाज सी हाज एराइजन तो प्रेजेंट परफेक्ट को कहवापाई हाज लगे उठी एबे मु भि थ्री ही अच्छी आ मु पास्ट कथा कहवाक चाहूँगी जदि मु पास्ट बनवाक चाहूँगी पास्ट परफेक्ट रे करिवाक चाहूँगी तबे मते कौन करिवाक पड़िबो ठीक जेमिति मु हेल्पिंग वर्ब हाव हाज यूज करथिली प्रेजेंट परफेक्ट पाई पास्ट को देखा पाई हेले मते गोटे वर्ब दरकार हबो सेटा होची हार्ड तो हार्ड लागि कि जदि भी थ्री लागिची तबे मु कौन कहबी जेमिति कि आई हार्ड इटेन ए केक तो मु गोटे केक खाई थिली सेथिबाय मु कहिले एठे से उठी अच्छा बा से उठी थिले जदि हाव लगे किंबा हाज लगे कहूँ प्रेजेंट को देखापी जदि हार्ड लगे कहूँ पास्ट को देखापी कहीं भि थ्री उभय प्रेजेंट परफेक्ट रे यूज हुए पास्ट परफेक्ट रे यूज हुए आउ इवेन फ्यूचर परफेक्ट रे यूज हुए तेणु मुँह कहली कि आपड़ जो वर्ब शिखे एमती शिखु एराइजन उठी भी हम उठी हम ओके हाव इटेन आगक आसब विल हाव इटेन आसब से आम आगक देखा जपर्यंत आम प्रेजेंट एवं पास्ट ही शिखिंट फ्यूचर टेन्स आम पढ़ी ना से मुझे कहूना ओके देखूँ आम भि ओन को देखिले किंवा भि फाइव देखिले भि ओन आ भि फाइव को देखिले आम कौन जाने प्रेजेंट सिंपल बोली जाने भि टू को देखिले आम जाने पास्ट बोली अर्थात ए वर्ब मानक यूज करूले आम पास्टर सिंपल बॉडी जानवा आम भि थ्री को यूज कले कि देखिले जे भि थ्री सहित को वर्ब यूज से वर्ब को देखिक आम को परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट ना पास परफेक्ट जापारे जदि आम सिंपली
हाव किंबा हाज लगे कि जदि कहउछंती भी थ्री तबे आमे प्रेजेंट रो परफेक्ट को कहउछंती किंतु जदि हार्ड लगे कि भी थ्री कहउछंती तबे ताकु आमे पास्ट रो परफेक्ट टेंस बोले कहउछंती एबे हे गला वी1 वी2 भी हे गला वी3 हे गला एबे वी4 को जेबा ओके एबे आमे वी4 को जेबा तो मु वी4 कर दउची अर्थात सब्जेक्ट तापर वर्ब रो फोर्थ फॉर्म बा आईएनजी वाला फॉर्म आउ मु करूची ऑब्जेक्ट ओके तो मु आपन को पचारे भी जे सब्जेक्ट अछि वर्ब रो फोर्थ फॉर्म अछि आउ ऑब्जेक्ट अछि तो एडा को टेंस रो आपन कहबे कि आपन कंटीन्यूअस कहबे काहे कि ना आईएनजी लागिथिले कंटीन्यूअस को देखाय मु कहली हां ठीक कथा कहले आपन बहुत बढ़िया कथा कहले ठीक ही कहिसन मु मानिली ओके किंतु को कंटीन्यूअस कहि परिबा के बे सपोज मु कहबी आई ईटिंग हुए कि आई ईटिंग ए केक हुए कि मु माने गोटे केक खाउची कहय पई आई ईटिंग कहबा ना आई एम ईटिंग कहबा राइट किमा से गोटे केक खाउची ही ईटिंग ए केक ना ही इज ईटिंग ए केक बहुत बढ़िया कहले मु कहली दे आर ईटिंग ए केक ना दे ईटिंग ए केक आपण कहबे दे आर ईटिंग ए केक सर तो सेथि पई मु कहली केवल आमर जो ईटिंग को देखिले बा वी4 को देखिले या को वी4 बोल कोआ जाय वी4 को खाली देखिले आमे को टेंस कहि परिबा ना भलर ध्यान दे सुनंतु प्रेजेंट रो न पास्ट बोली आमे कहि परिबा जदि आमे ता पूर्वरु थिबा वर्ब को देखिबा आम जदि अछि आम ईटिंग कहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज ईटिंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस आर ईटिंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस अर्थात आम इज आर होची प्रेजेंट को देखौथिबा वर्ब आउ ईटिंग तो कंटीन्यूअस तो मु कहली आम इज एवं आर प्रेजेंट अटे आउ वी फॉर कंटीन्यूअस अटे तो प्रेजेंट होची एटा कंटीन्यूअस होची एटा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेमिति आईएनजी तो हमर पास्ट रे भी आसी हो ना नहीं आपण वीडियो देख छंदी तो सेथिरे भी आपणकर वी फॉर आसी जदी मु कहिबी वी फॉर पास्ट रे भी आसी मु खाउथिली गोटे केक खाउथिली त आमे कोन कहबा आई ईटिंग ए केक कहबे कि नहीं ना त आपण कोन कहबे आई वाज ईटिंग ए केक कहबे किंबा आपण कोन मु जदि कहबी से माने केक खाउथिले सेटा पई कोन कहबे दे ईटिंग ए केक कहबे ना दे वेयर ईटिंग कहबे ऑब्वियसली आपण कहबे दे वेयर ईटिंग ए केक तेनो मु कहली आपणकर जो वाज किंबा वेयर को देखिले आमे जानी परिबा को टेंस बोली वी फॉर बा आईएनजी वर्ब को देखिले जानी परिबा नाही जे को वर्ब को टेंस बोली तेनो मु कहली जे जते बेला आमे वर्ब सिखु छंती वर्ब रो केवल वी1 बा प्रेजेंट को आमे न सिखे कि वी2 बा पास्ट को मध्य सिखिबा वी थ्री बा परफेक्ट को मध्य सिखिबा बा जाको आमे पार्टिसिपल बोली कहू छंती ता सहित आमे आईएनजी जाको आमे वी4 कहू छंती ता सहित प्रेजेंट सिंपल पई स्पेशियली प्रेजेंट सिंपल पई आमे सिखितबार अछि जेतेबेले आमे वर्ब को सिखु छंती ओके तो चलंतु जेमिति एटा मु एटा को प्रैक्टिस करबा बे बिकम कहिले हेबा बिकम कहिले हेबा यारो लेखिबार मध्ये बहुत ही सरल तरीका अछि कम रो जेमिति केम हेतला देखो तो एथिरे कोठी कम केम केम अछि कि नै ठीक अछि त कम रो केम होय आउ कम होय ता पूर्व रो केवल बी लागि छि त स्पेलिंग मध्ये सेम बी कम बी केम बी कम बिकमिंग एंड बिकम्स बिकम्स केवल प्रेजेंट सिंपल पई यूज हबो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट सहित ओके तो एबे मु ओडिया रे कहबी बिकम बिकेम बिकम बिकमिंग बिकम्स तो कहली एबे ओडिया रे यार अर्थ कह बिकम कहले हेबा किंबा करेबा बिकम कहले हेला बा करेली बिकम हेइछि बा हेइथिला ध्यान दियंतु जेतेबेले मु भी3 कहूची हेइछि किंबा हेइथिला बोली कहूची काहेकि ना भी3 कहा सहित यूज हबो प्रेजेंट परफेक्ट सहित यूज हबो बा पास्ट परफेक्ट सहित यूज हबो आउ आगो को सिखिले हमर फ्यूचर परफेक्ट रे मध्ये यूज हबो बिकमिंग हेई अछि बा हेउथिला बिकमिंग वाज किंबा वेयर बिकमिंग इज किंबा आम किंबा आर बिकमिंग सेथि पई मु याकु कहू छी बुझा पड़िला एबे मु आउ गोटे सेंटेंस आपण आउ गोटे वर्ब आपण प्रैक्टिस करू छी आउ आपण को सब्जेक्ट को मध्ये यूज करे के सिखेबी तापे आपण सेमिति आपण ट्राय करो मु कहली ब्रेक ब्रोक ब्रोकन ब्रेकिंग ब्रेक्स
किंबा आपण ब्रेक ब्रेक्स मध्ये एथिरे ही प्रैक्टिस करि परिबे भी 1 एवं भी 5 को एथि ही प्रैक्टिस करि परिबे ब्रेक ब्रेक्स ब्रोक ब्रोकन ब्रेकिंग या कुछ छाड़ दे परिबे ओके तो ब्रेक कोले भांगीबा बा भांगंती भांगू बा भांगंती भांगे बा भांगंती ओके ब्रोक कोले भांगिला बा भांगिले किंबा भांगिलु ब्रोकन भांगिछु भांगिछंती बा भांगिछि ब्रोकन भांगी थिले बा भांगी थिलु भांगी थिला ब्रेकिंग भांगू अछंती आई ब्रेक ए ग्लास मु गोटे ग्लास को भांगे आई ब्रोक ए ग्लास मु गोटे ग्लास को भांगिली आई हैव ब्रोकन ए ग्लास मु गोटे ग्लास भांगी छि आई हार्ड ब्रोकन ए ग्लास मु गोटे ग्लास भांगी थिली सुन छंदी ना तो आई एम ब्रेकिंग ए ग्लास मु गोटे ग्लास भांगू अछि या को चेंज करिबा ही बनेबा हि ब्रेक हबनी हि ब्रेक्स हब से गोटे ग्लास भांगती कि से गोटे ग्लास भांगे हि ब्रेक्स ए ग्लास ओके तो हि ब्रोक ए ग्लास से गोटे ग्लास भांगिला से गोटे ग्लास भांगी थिला हि हार्ड ब्रोकन ए ग्लास से गोटे ग्लास भांगी अछि हि हैज ब्रोकन अ ग्लास से गोटे ग्लास भांगो थिला हि वाज ब्रेकिंग अ ग्लास बुझिपारे कि नहीं आउ थे मुझे करदे सहित वी ब्रेक ग्लासेस आम ग्लास गुड़िक भांगू आम ग्लास गुड़िक भांगीदेलु वी ब्रोक ग्लासेस ब्रेकिंग करूछु तो वी आर ब्रेकिंग ग्लासेस आम ग्लास गुड़िक भांगू भांगू भांग काम सरी जाता सो वी वेर ब्रेकिंग ग्लासेस तो ए टाइप रे हबो आउ या को आपण नेगेटिव पॉजिटिव इंटरोगेटिव सब किछि करि परिबे मु भांगुथिलि कि गोटे ग्लास मु गोटे ग्लास भांगुथिलि कि हां कि नै वाज आई ब्रेकिंग ए ग्लास मु ग्लास भांगु नथिलि महाशय सर आई वाज नॉट ब्रेकिंग ग्लास आई वाज नॉट ब्रेकिंग अ ग्लास मु गोटे ग्लास भांगु नथिलि वाज आई ब्रेकिंग ए ग्लास मु भांगुथिलि कि हैव यू सीन तुमे देखिछ तुम्हें देख ल कि मत भांगा बड़क डिड यू सी हाड यू सीन देखी कि डिड आई ब्रेक ग्लास ग्लास भांगा तुम्हें देखी कि हाड यू सीन ब्रेकिंग ग्लासेस हाड यू सीन मी ब्रेकिंग ग्लासेस तो ग्लास गुड़िक भांगा मत देखी भांगा बेले मत देखी कि सेमती देखो आहरी कौन हो पारे चूज चज चूज एंड चूजिंग चूज या आप प्रैक्टिस कला बेलू इंग्लीश रे सब फॉर्म प्रैक्टिस करंतु कहा माने को फॉर्म कहा सहित यूज हम मन रखु कहीं भी टू आम केवल पास सहित यूज करूचे भी थ्री को पास्ट पार्टिसिपल को आम प्रेजेंट परफेक्ट सहित पास्ट परफेक्ट सहित इवेन फ्यूचर परफेक्ट रे यूज करवा भी फोर ड्रिंकिंग को आम जो यूज करूचे आई एन जी फॉर्म को जो यूज करूचे प्रेजेंट कंटिन्यू सहित अर्थात तो आई एन जी लगे आम सॉरी आम इज आर लगे आम आई एन जी वाला फॉर्म कह तो मन रखत या कमी कह तेणु या कोई सिंपली जदि किए कह से भांगू अच्छी सो आप मन पकेबे भांगू अच्छी कहीं प्रॉब्लम कौटी आसे इंग्लीश रु ओडिया कला बेलू आसबनी ओडिया इंग्लीश कला बेलू आसब सो ऑलवेज रिमेम्बर कि ओडिया साउंड गोटे वर्बर कौन अच्छी जदि भांगती अच्छी ब्रेक्स हम इज ब्रेकिंग अच्छी भांगू अच्छी हाज ब्रोकन भांगी अच्छी हार्ड ब्रोकन भांगी थिला तेणु मु कहिबार अर्थ आप सब फॉर्म को प्रैक्टिस करंतु फाइंड फाउंड फाउंड फाइंडिंग फाइंड्स आई फाइंड वी फाउंड यू हैव फाउंड यू हैड फाउंड यू आर फाइंडिंग ही फाइंड्स तो ए अनुसार प्रैक्टिस करिवे तबे आपनकर इंप्रूव निहाती हबो किंबा आप डायरेक्ट टेलीग्राम को जानतु टेलीग्राम रे या को शेयर कर देबी टेलीग्राम रो लिंक डिस्क्रिप्शन रे पाइबे तो से जाई आपण ये कर एवं वर्ब को जदि आप भल शिखा चाहते सिंपल आप गोटे वर्ब नियंतु सपोज आप गो ने गो रो सबू फॉर्म वी वन वी टू वी थ्री वी फोर एवं वी फाइव को आप यूज करंतु कौटे यूज करेंगे प्रत्येक टेन्स प्रेजेन्ट्रे यूज करूँ पास्ट टेन्स यूज करूँ जेहेतु आम फ्यूचर विषय में पढ़ने तो मुझे कम दौनि ओके तो प्रेजेन्ट टेन्स सब टाइप सेंटेन्स कहवापी चेषा करूँ कौ टाइप आपड़ पॉजिटिव सेंटेन्स कहतु ओके जहाँ आम डिक्लेरेटिव सेंटेन्स कौचे ना
ডিক্লারেটিভ বা আসেরেটিভ সেন্টেন্স রে কোন রুহে না মোর অলগা অলগা ডিক্লেয়ার রুহে পজিটিভ বি রুহে নেগেটিভ বি রুহে ওকে তো এথিপাই আপন কোন করন্তু পজিটিভ সেন্টেন্স কইবা শিখন্তু যেমিতি আই গো টু মার্কেট পজিটিভ সেন্টেন্স আই ডু নট গো টু মার্কেট হচ্ছে নেগেটিভ সেন্টেন্স সেমিতি কোশ্চিন সেন্টেন্স আপন শিখন্তু আম আই গোইং কিংবা ডু আই গো হব ওকে তো সবু টেন্স রে ইউজ করিবে প্রেজেন্ট টেন্স রো চারটি ফর্ম মধ্যে ইউজ করিবে প্রেজেন্ট সিম্পল ইউজ করিবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস ইউজ করিবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট আর প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস কো মধ্যে ইউজ করিবে সেমিতি পাস্ট রো সিম্পল পাস্ট রো পারফেক্ট পাস্ট রো কন্টিনিউস পাস্ট রো পারফেক্ট কন্টিনিউস ইউজ করিবে ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্স বা পজিটিভ সেন্টেন্স নেগেটিভ সেন্টেন্স কোশ্চিন মার্ক আর কোশ্চিন আর নেগেটিভ মধ্যে ইউজ করিবে দেখিবা কেমিতি আপনকর প্র্যাকটিস হব নি স্পিকিং রিডিং রাইটিং ওকে নিহাতি হব আর ভর মধ্যে আপন বহুত কিছু শিখিবে কেবল দিনক গোটিয়ে ভর্ব নেই এমিতি প্র্যাকটিস করুন সপ্তাহক সাতটি ভর্ব আপন মানে প্র্যাকটিস করে কিন্তু সাতটি হি আপন অলগা অলগা ফর্ম আপন প্র্যাকটিস করে সো দিনক যদি গোটে ভর্ব নেলে গোটে ভর্ব রে হি পাঁচটি ফর্ম হয়ে গলা আউ এথিরে হি অলগা অলগা সেন্টেন্স হয়ে গলা তো আপন জাস্ট ক্যালকুলেট করিকি দেখুন যে গোটে সপ্তাহে আপন কতটি ভর্ব আর কতটি সেন্টেন্স কতটি টেন্স আপন প্র্যাকটিস করে সেতিবে সো প্র্যাকটিস করন্তু এবং যদি প্র্যাকটিস কলা পরে মতে গোটে সপ্তাহ পরে আসি কমেন্ট করন্তু যে আপনকু হেল্পফুল হউছি কি নাই টিল দেন ভালরে প্র্যাকটিস করন্তু ভিডিও কু লাইক করন্তু শেয়ার করন্তু কমেন্ট করন্তু পুনি থরে দেখা হবা আউ গোটে ভিডিও রে সে পর্যন্ত পড়ু থান্তু নিজর যত্ন নেউ থান্তু আউ সমস্তঙ্কু আদর স্নেহ প্রেম করু থান্তু সম্মান করু থান্তু থ্যাংক ইউ সো মচ নমস্কার বাই বাই হ্যাভ এ গ্রেট ডে।